और एक विचित्र मजाक ये है कि जो सड़क है उसके बारे में दावा किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा कि सड़क का जो निर्माण है वो कर दिया गया है, जबकि सड़क जो है अभी बनना भी शुरू नहीं हुई। आप देखें एक जो बोर्ड है यहाँ पे वो लगा हुआ है, इस सड़क का निर्माण कार्य दिल्ली सरकार एवं माननीय विधायक श्री भूपेंद्र सिंह जून के अथक प्रयासों के द्वारा कराया गया। ये बोर्ड लाके लगा दिए गए हैं, लोगों का कहना है कि छः महीने से बोर्ड यहाँ पे जमा है। बोर्ड की खुद की हालत देखें, जिस तरह सड़क निर्माण के दावे हैं ठीक उसी तरह का ये बोर्ड यहाँ पे है, और जो पानी है वो जमा है, जो सड़कें हैं बुरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हैं। आप मेन रोड देखें, मेन रोड पे भी जो पानी है लगातार वो जमा है, जो सीवर के मैन होल के जो ढक्कन हैं वो खुले हुए हैं, और लोगों की जो सुध है लेने वाला अम्बेडकर बस्ती में वो कोई नहीं है। भैया ये पानी कब से भरा हुआ है यहाँ? जी हमेशा ही लगता है, ये हमेशा लगता है, बिल्कुल हमेशा लगता है। और मैंने बारिशों में रहता है या हमेशा? नहीं हमेशा ही रहता है, नॉर्मली हमेशा ही रहता है। काम कोई करता है, विधायक वगैरह आते हैं मिलते हैं? सारे चोर है एक जैसे ही, हम पार्षद कोई नहीं करता, सारे एक जैसे ही है, सारे एक ही ताली के तट्टे बट्टे। चलिए हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से लगा हुआ है, और ये सड़क कभी बनी है? ये बोर्ड लगे हुए साहब। चलिए सड़क कब बनी थी ये आपको ध्यान है? अभी साफ सफाई होती है? सफाई पर कोई नहीं आता, एमसीडी के वर्कर आते हैं, दिल्ली सरकार के लोग आते हैं? नहीं आते, वो काली गाड़ी वाले आते, कूड़ा उठा के ले आते, बस कूड़ा फेंक दिया था वो जाता है, बाकी कोई सफाई पाई करने वाला कोई नहीं आता। नालियाँ और सीवर साफ नहीं होते? नहीं होते। एक ये बोर्ड लगा है यहाँ पे कि सड़क का निर्माण कार्य माननीय विधायक भूपेंद्र सिंह जून के अथक प्रयासों से कराया गया, कब कराया गया, कब बनी सड़क? ये सड़क तो अभी बनना शुरू हुआ है, उससे पहले सीवर का थोड़ा काम हुआ है, लेकिन काम प्रॉपर नहीं हुआ, सीवर का भी जो प्रॉपर काम नहीं हुआ, जिस तरह से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। दूसरा रोड का अब गलियां शुरू की है इन्होंने, वो भी इतना स्लो काम चल रहा है कि बस पूछो मत। बारिश में किस कदर हालात हैं दिल्ली के, आप देखें बिजवासन विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं, पूरी जो गली है वो लबालब सीवर के पानी से भरी हुई है, और तमाम जो सफाई कर्मी हैं लोगों का ऐसा कहना है कि वो नदारद हैं, जो दिल्ली सरकार है वो नदारद है, इसी पानी से लोग इस तरह से सड़क से बचते हुए निकलते हैं और मंजिल तक अपनी पहुंच पाते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, एक बार उनसे जानेंगे इस पानी से निकल पाते हैं आप, कैसे निकलते हैं? किसी तरह से निकलते हैं, दिक्कत बहुत हो रहा है। हाँ। किसी तरह जाते, मंदिर जाना जरूरी है ना, इसीलिए जाते किसी तरह। अच्छा। गंदा पानी। सड़क बना है, कब बना था सड़क ये हम नहीं बता, हम बाहर के लोग हैं यहाँ। लोग कब से रह रहे हैं यहाँ? एक और सज्जन मौजूद हैं। एक ये बोर्ड लगा है यहाँ पे कि सड़क का निर्माण कार्य माननीय विधायक भूपेंद्र सिंह जून के अथक प्रयासों से कराया गया, कब कराया गया, कब बनी सड़क? ये सड़क तो अभी बनना शुरू हुआ है, उससे पहले सीवर का थोड़ा काम हुआ है, लेकिन काम प्रॉपर नहीं हुआ, सीवर का भी जो प्रॉपर काम नहीं हुआ, जिस तरह से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। दूसरा रोड का अब गलियाँ शुरू की है इन्होंने, वो भी इतना स्लो काम चल रहा है कि बस पूछो मत। लेकिन इस गली में तो कहीं गली बनती हुई दिख नहीं रही, बोर्ड पहले लगा दिया गया? बोर्ड तो पिछले साल लग गया था, मतलब कि दिसंबर या जनवरी की बात है ये। अच्छा। 6 महीने हो गए उन बातों को, 6 महीने से बल्कि ज़्यादा हो गया। अच्छा। तो भूपेंद्र जून आए थे यहाँ पे। हाँ। उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने वो किया था, उन्होंने क्या नाम अटेंड किया, क्योंकि मैं ऑटो लेकर जनरल सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे। तो जल जमाव क्यों है, ये सीवर का पानी है जमा है? सीवर का पानी नहीं है जी, ये पानी गलियों का है, कुछ बरसात का है, और जो निकास है वो प्रॉपर नहीं है शुरू से ही। और कुछ क्या क्या इसमें ऐसा ही होता है, हर बारिश में ऐसा होता है, पानी भरा होता है। जैसे हमारा मंदिर है मेन, मंदिर के सामने तो आपको करीब 2-2 फुट पानी मिलेगा, 2-2.5 फुट पानी भर जाता है वहाँ पे, और उसको निकलने में करीब पूरा दिन निकल जाता है, तब वो धीरे धीरे निकलता है, क्योंकि एग्जिट जो है वो बिल्कुल छोटा है। आप देखें जो एग्जिट है पानी की वो नहीं है, जल जमाव जो है वो हमेशा होता है। और एक विचित्र मजाक ये है कि जो सड़क है उसके बारे में दावा किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा कि सड़क का जो निर्माण है वो कर दिया गया है, जबकि सड़क जो है अभी बनना भी शुरू नहीं हुई। आप देखें एक जो बोर्ड है यहाँ पे वो लगा हुआ है, इस सड़क का निर्माण कार्य दिल्ली सरकार एवं माननीय विधायक श्री भूपेंद्र सिंह जून के अथक प्रयासों के द्वारा कराया गया। ये बोर्ड लाके लगा दिए गए हैं, लोगों का कहना है कि छः महीने से बोर्ड यहाँ पे जमा है। बोर्ड की खुद की हालत देखें, जिस तरह सड़क निर्माण के दावे हैं ठीक उसी तरह का ये बोर्ड यहाँ पे है, और जो पानी है वो जमा है, जो सड़कें हैं बुरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हैं। आप मेन रोड देखें, मेन रोड पे भी जो पानी है लगातार वो जमा है, जो सीवर के मैन होल के जो ढक्कन हैं वो खुले हुए हैं, और लोगों की जो सुध है लेने वाला अम्बेडकर बस्ती में वो कोई नहीं है, ना यहाँ के जो विधायक हैं वो आते हैं, लोगों का ऐसा कहना है, और साथ में जो निगम पार्षद हैं उनका जो काम है वो भी भगवान भरोसे है। कुछ और लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे जानेंगे, आइए जरा नज़दीक आ जाइए। भैया ये पानी कब से भरा हुआ है यहाँ? जी हमेशा ही लगता है, ये हमेशा लगता है, बिल्कुल हमेशा लगता है।
और माने बारिशों में रहता है या हमेशा? नहीं, हमेशा ही रहता है, नॉर्मली हमेशा ही रहता है। काम कोई करता है, विधायक वगैरह आते हैं मिलते हैं? सारे चोर है एक जैसे ही। हम पार्षद कोई नहीं करता, सारे एक जैसे ही है, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। चलिए, सबका कहना है कि सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। भाई साहब, ये बोर्ड कब लगा आपको पता ही है? सर हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से लगा हुआ है। और ये सड़क कभी बनी है? ये बोर्ड लगे हुए साहब। चलिए, सड़क कब बनी थी ये आपको ध्यान है? ये तो कहा गया है कि अथक प्रयासों से काम कराया गया विधायक जी की, और मेरे ख्याल सड़क बनी नहीं है। 15 दिन हुए हैं इस बोर्ड पे तो लगे हुए थे। चलिए, तमाम जो जनता है उसके तमाम तरह की बातें हैं, और उनका कहना है कि जो रोड है वो पूरा, आप देखें सारे रोड क्षतिग्रस्त हैं, सारी जो गलियां हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, और तमाम जो बोर्ड हैं हर गली के मुहाने पर लगे हुए हैं। इस तरह के दावे हैं कि जो विकास कार्य है वो किया जा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जाते। आप देखें हालात जो है वो बस से बदतर है। क्या नाम है? रंजीत सिंह। ये पानी कब भरा रहता है? ये तो 15 दिन ज्यादा हो गया है। अच्छा, पानी खत्म ही नहीं हो रहा है, ये गली से लेके यहाँ तक पानी खत्म नहीं हो रहा है। और कभी साफ सफाई होती है? सफाई भाई कोई नहीं आता है। एमसीडी के वर्कर आते हैं, दिल्ली सरकार के लोग आते हैं? नहीं आते, वो काली गाड़ी वाले आते, कूड़ा उठा के ले आते, बस कूड़ा फेंक दिया था वही जाता है, बाकी सफाई पाई करने वाला कोई नहीं आता है। नालियाँ और सीवर साफ नहीं होते? नहीं होते। लोगों का कहना, अच्छा विधायक और पार्षद आते हैं मिलने, बात करने, देखने, आपके हालचाल जानने? मैंने तो कभी नहीं देखा उनको। आई नहीं देखा मैं, क्योंकि मैं ड्यूटी चला था, आया हूँ कभी आया हूँ तो उसके लेकर नहीं कह सकता हूँ। सफाई भाई कर्मचारी कोई नहीं आता, नालियाँ कोई सफाई नहीं करता, नालियों की सफाई नहीं होती, इसी वजह से जो वाटर लॉगिंग है वो सड़कों पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, और लोग इसी गंदे पानी के बीच से जो है निकल कर अपनी जो मंजिल है उस तक पहुँचते हैं। कब कहाँ इसी तरह से रोजाना निकल के आते हैं? अब क्या करें भैया, कब हमेशा जमा रहता है पानी? हमेशा हमेशा। चलिए, हमेशा पानी जमा रहता है। आप लोग निकलिए चूँकि जाम होगा यहाँ पे, और तमाम जो अन्य लोग हैं एक बार उनसे बात करेंगे। हालात जो है वो बस से बदतर हैं, आपने देखे जो लोग हैं वो परेशान हैं, जाएँ तो कहाँ जाएँ, चूँकि जो विधायक हैं जो पार्षद हैं वो भी कमोबेश अदृश्य हैं, यानी दिखाई नहीं देते, ऐसा भी लोगों का मानना है। क्या नाम है अंकल आपका? जय श्री राम है जी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते कॉलोनी में, अम्बेडकर कॉलोनी में। किस तरह के हालात हैं, साफ सफाई की मैं बात करूं, जल जमाव की मैं बात करूं, टूटी सड़कों की बात करूं, जो कुछ है ये हालात आप देख रहे हो यही हालात है, निकलना मुश्किल है। और ये कब से हैं इस तरह के हालात? ये बरसात हुई जब, उससे बाद क्या हमेशा रहता है, बरसात हो या ना हो ये तो भरे रहे। अच्छा, आप देखें जो MCD की कूड़े वाली गाड़ी है वो आ रही है, और यानी जो कूड़ा है वो तो उठता है, बाकी जो जल जमाव है वो लगातार रहता है, और साथ में जो वाटर लॉगिंग है वो पूरी तरह से सड़कों पर रहती है, टूटी हुई सड़कें हैं, और जो सीवर के ढक्कन हैं, मैन होल है, वो भी टूटे हुए हैं। तो ये अंकल, ये रोड कब से टूटी हुई है, इस सीवर के ढक्कन वगैरह? है जी, सीवर के जो मैन होल के ढक्कन है ये कब से टूटे हुए हैं, ये सड़क कब से टूटी हुई है? नहीं, मैन होल नए डले हैं, ये नए डले हैं, वो रिपेयर नहीं हुई है, गड्ढे पड़े हुए हैं। अच्छा, और सड़क के इसके हालात उसके बाद से, जब लाइन डलने के बाद से? पहले ठीक थी? पहले ठीक थी। और समय कितना हो गया इसको? 2 महीने के आसपास हो गया। तो तब से रोड बनाई नहीं गई? नहीं बना। अब विधायक आते हैं, पार्षद आते हैं, मिलते बात करते हैं, पूछते हैं? कोई नहीं आता जी, हमने तो नहीं देखा कोई भी। कभी देखा ही नहीं? कोई नहीं देखा। चुनाव के टाइम पे दिखाई दिए होंगे शायद? हाँ, चुनाव में आ जाते हैं, चुनाव के टाइम पे दुनिया आती है, सब आते हैं। विधायक और जो पार्षद हैं कमोबेश अदृश्य रहते हैं, और केवल चुनाव के टाइम पे वो लोगों को नज़र आते हैं, वोट मांगने ज़रूर आते हैं, लेकिन उसके बाद में चुनाव जीतने के बाद लोगों को जो उनके हालात हैं उस पर छोड़ दिया जाता है, या फिर कहें राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। अब इस संदर्भ में जो पार्षद हैं, जो विधायक हैं, उनका क्या कहना है, किस तरह से वो सोचते हैं, क्या उन्होंने काम किए हैं, और जो हालात बस से बदतर हैं यहाँ के वो क्यों हैं?